बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की ज़ेर-ए-नज़र वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि उस्मान बे की पहली बीवी यानी बाला खतून का इंतकाल कब हुआ, कैसे हुआ और कहां हुआ। इसके अलावा ये कौन थी और उस्मान बे के जानशीन और रहान बे के साथ इनका क्या ताल्लुक था। आज की इस वीडियो में हम आपको बाला खतून के बारे में बताने वाले हैं, मगर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले नए आने वाले सामईन से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, ग्रामी बाला खतून सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान उस्मान गाजी की पहली बीवी थी। इनकी पैदाइश के बारे में कन्फर्म नहीं, लेकिन कहा जाता है कि वो अनातोलिया में पैदा हुई। वो शेख अदबाली की बेटी थी। शेख अदबाली ने 1279 में उस्मान गाजी के साथ शादी का अहतमाम किया था। शेख अदबाली को जब उस्मान गाजी ने अपने ख्वाब के बारे में बताया, जिसमें उसे एक नई मुस्लिम रियासत के कयाम की नवीद सुनाई गई थी, तो अपनी बेटी की शादी पर रजामंद हो गए। उस्मान गाजी के साथ शादी के बाद बाला खतून को ब्लैक जिला के क्वेक गांव से नवाजा गया। मुआरखीन के मुताबिक उस्मान गाजी ने अपनी दूसरी शादी 1280 सलजूक सल्तनत के वजीर उमर बिन अब्दुल अजीज बे की बेटी मलहून खतून से की थी। मुआरखीन के मुताबिक ये मलहून खतून उस्मान बे के जानशीन बेटे उरहान गाजी की वालदा थी। उस्मान बे की पहली शादी उसी दौर की रूहानी शख्सियत शेख अदबाली की बेटी राबिया बाला बसरी से हुई। शादी के बाद वो सल्तनत उस्मानिया के अलाउद्दीन पाशा की वालदा बन गई, जो कि उरहान गाजी के भाई थे और उरहान गाजी के वजीर आजम के तौर पर खिदमात सरंजाम देते रहे। मुर्रखीन के मुताबिक राबिया बाला बसरी का इंतकाल जनवरी सन 1324 में हुआ और इन्हें ब्लैक में उनके वालिद शेख अदबाली के मकबरे के अहाते में ही दफन किया गया। राबिया बाला बसरी ने उस्मान गाजी की हर लम्हे मदद की और इन्हें दुआओं से नवाजा और इनकी औलाद की बेहतरीन तरबियत की। उरहान बेशक इनके सगे बेटे नहीं थे, लेकिन उरहान को अपनी वालदा के तौर पर समझते थे। नाज़रीन गिरामी, राबिया बाला खतून मज़हबी खतून थी और ये कभी तहज्जुद की नमाज कजा नहीं किया करती थी। शेख अदबाली की बेटी बेहतरीन तरबियत की वजह से राबिया बाला बसरी तारीख इस्लाम का एक ऐसा बेहतरीन किरदार बनकर सामने आई, जिन्हें कभी भी फरामोश नहीं किया जाएगा। इस अजीम खातून जो कि अलाउद्दीन पाशा की मां और उस्मान बे की पहली बीवी थी, इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। इतना की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।